हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे फिफ्थ क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का 11वां चैप्टर चावल की रोटियां। तो इसमें क्या है, एक बच्चा है और उसकी माँ ने उसको चावल की रोटी दी है बनाकर, लेकिन क्या है वो किसी के साथ खाना नहीं चाहता। वो चाहता है कि वो सारी रोटी खाए, लेकिन वो एंड में खा नहीं पाता और उसकी चावल की जो रोटियां होती हैं वो फूलदान के साथ चली जाती हैं। तो क्यों चली जाती हैं वो देखेंगे हम इस नाटक में। और ये एक नाटक है, इसमें कौन कौन है, एक है कोको जो कि 8 साल का बर्मी बच्चा है, कुछ मोटा है। नीनी है वो 9 साल का है, वो बर्मी बच्चा है वो भी, और कोको का दोस्त है। तिनसू है वो 8 साल का है, कोको का दोस्त है। मिमी है वो 7 साल की है और कोको की दोस्त है। और उवातुन है वो जनता की दुकान का प्रबंधक है, कुछ लंबा है और उसने नकली मूछें लगा ली हैं। तो कोई भी लंबा बच्चा है वो इस अभिनय को कर सकता है। एक कमरा है, उसमें दीवार पर क्या है, बांस की चटाइयाँ लगी हुई हैं और दीवार के सहारे एक अलमारी रखी हुई है। अलमारी के ऊपर रेडियो है, चाय की केतली है, कुछ कप है और खाली जो गुलाबी फूलदान है वो रखा हुआ है। और कमरे के बीच में जो फर्श है उस पर चटाई बिछी हुई है, जिसके ऊपर क्या है, गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा दरवाज़ा है वो किनारे की ओर है। और पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है, जिससे और फिर क्या होता है, पर्दा उठता है और दूर कहीं पे क्या सुनाई देता है कि मुर्गा है वो बांग दे रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं और प्रातःकाल जो घंटियाँ बजती हैं, प्रार्थना की घंटियाँ बज रही हैं। और जो कोको है वो आता है, वो सोया हुआ है, वो जमाही लेकर अपने आप को सीधा करता है, अपने आप को सीधा करने का अभिनय करता है। तो जो कोको के माता पिता हैं वो गए हैं खेतों में धान लगाने के लिए। तो जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौटकर नहीं आती तो वो कहता है मुझे क्या करना है, घर की देखभाल करनी है। तो वो देखता है कि सोचता है देखो माँ ने मुझे क्या बना के रखा है मेरे लिए खाने के लिए। तो अलमारी के पास जाता है, अलमारी खोलकर देखता है तो देखता है कि अलमारी में उसके लिए 4 रोटी रखी हैं, वो भी किसकी, चावल की बनी हुई हैं, जो कि उसको बहुत पसंद है। तो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो मुस्कुराता है, वो कहता है आज तो मज़ा आ जाएगा चावल की रोटी खाने में, क्योंकि उसकी मनपसंद की है। तो वो कहता है आज तो बहुत डटकर नाश्ता होगा। तो फिर क्या होता है, जैसे ही खाने को लगता है, वो खाने लगता है तो कोई दरवाज़ा खटखटा देता है। तो दरवाजे पर होता है उसका दोस्त नीनी, वो कहता है दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीनी। तो कोको होता है वो कहता है अरे भाई ये तो नीनी है, कब तो गजब हो गया, क्योंकि ये तो बहुत भुक्कड़ है, अगर वो ये देख लेगा रोटी तो वो खाएगा, उसको खाने को बहुत शौक, उसके खाने को बहुत शौक है, तो वो मानेगा नहीं, वो सारी रोटी खा जाएगा। तो नीनी होता है वो दरवाजे पे खटखटाया जा रहा है, वो कह रहा है तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो। और ये कोको होता है वो सोचता है रोटी को कहीं छुपा दूँ, कोई जगह नहीं मिलती, तो इसको क्या करता है रोटी को, और एक रेडियो होता है उसके पीछे छिपा देता है और दरवाज़ा खोलता है। तो नीनी होता है वो पूछता है तुमने इतनी देर क्यों लगाई दरवाज़ा खोलने में। तो वो कहता है कोई बात नहीं थी, मैं तो नाश्ता करके चुका था ना, तो मुँह धोने चला गया था इसीलिए मुझे देर हो गई। तो पूछता है तुम क्यों आए हो सुबह सुबह, क्या बात है। तो नीनी होता है वो कहता है कि तुम क्या भूल गए कि परीक्षा के बारे में रेडियो पर कुछ खास सूचना आने वाली है। तो कोको कहता है लेकिन तुम्हारे घर पर भी तो रेडियो है। तो नीनी कहता है वो ख़राब हो गया है, तो मैंने सोचा तुम्हारे पास आऊँ और उसको सुन लूँ तुम्हारे घर पर आकर। तो नीनी कहता है कि रेडियो को उठा कर यहीं ले आओ, हम आराम से बैठ कर सुनेंगे। तो जो कोको होता है वो कहता है कि रेडियो में तो कुछ खराबी है। तो नीनी कहता है आओ ले जाओ उसको उठा कर, हम दोनों ठीक कर लेंगे, तो वो ठीक हो जाएगा, फिर हम लोग बैठ के उसको सुन लेंगे जो अब वो आएगी न्यूज़। तो कोको कहता है नहीं नहीं उसको छूना मत, उसमें तो करंट है। तो नीनी कहता है उसको तो मैंने छू लिया था। तो वो कहता है मैं खबर तो ज़रूर सुनूंगा, अगर तुम्हारा रेडियो ख़राब है तो मैं ऐसा करता हूँ तिनसू के घर चला जाता हूँ। तो पूछता है तुम आओगे, वो कहता है नहीं मैं नहीं आऊँगा, तो वो चला जाता है। तो कोको होता है वो बहुत गहरी सांस लेता है, वो सोचता है चलो अब क्या है नाश्ता कर लूँगा मैं, बहुत तेज़ उसको भूख लगी होती है। तो जैसे ही तश्तरी उठाता है वैसे ही क्या होता है फिर दरवाजे पर कोई आ जाता है। तो क्या होता है कोको जो तश्तरी होती है वो नीचे रख देता है और कहता है पता नहीं अब कौन आ टपका। तो उसको पता चलता है कि उसकी जो फ्रेंड है मिमी वो आ गई है। तो वो कहते हैं अरे बाप रे ये तो मिमी है, इसको तो चावल की रोटियां बहुत अच्छी लगती हैं, ये तो सब खा जाएगी, अब इसको कहाँ छुपाऊँ। तो वो देखता है इधर उधर कहाँ छुपाऊँ इसको। तो मिमी है वो दरवाज़ा खटखटाए जा रही है और बोल रही है तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो दरवाज़ा खोलने में। तो ये कोको है वो उसको छुपाने के लिए क्या करता है, फूलदान होता है उसके अंदर क्या करता है, जो रोटियां होती हैं उसको छुपा देता है। तो मिमी है वो कागज़ में लिपटा हुआ एक बंडल लेकर कमरे में आती है। तो मिमी है दरवाज़ा पूछती है तुमने दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। तो जो कोको है वो उसको यही बता देता है कि मैंने नाश्ता किया था अभी और मुंह धोने लगा था इसलिए बहुत देर हो गई।
तो मिमी होती है वो कहती है तुम्हारे मम्मी पापा मिले थे मुझे रास्ते में, तुम्हारी मम्मी ने बताया था कि उन्होंने तुम्हारे लिए चावल की रोटियां बनाई थी। तो मैंने सोचा, इतना कहने वाली थी कि कोको उसको रोक देता है बीच में चावल की रोटियां, वो तो मैंने सब खा ली। तो वो कहती है तुमने एक भी नहीं बचाई मेरे लिए। तो वो कहता है कि नहीं सॉरी मैं तो सब खा ली, वो आज तो मेरा पेट इतना ज़्यादा भर गया है कि आज तो मैं दोपहर का नाश्ता भी, दोपहर का खाना है वो भी नहीं खा पाऊंगा। तो मम्मी कहती है बहुत बुरी बात है। तो कहती है मेरी माँ ने क्या किया था, केले के पापड़ बनाए थे, तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी, तो मैं चार पापड़ लेके आई थी, दो तुम्हारे लिए दो अपने लिए। तो सोचा था तुम्हारे चावल की रोटियां और मेरे मोटे मोटे पापड़ दोनों खाएंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा नाश्ता हो जाएगा। तो वो क्या करती है, अपना जो बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है, उसे तश्तरी पर रख देती है। तो वो कहती है बहुत गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी है, लेकिन तुम्हारी क्या है बदकिस्मती है, तुम बहुत बदकिस्मत हो, अच्छी किस्मत नहीं है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारा पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तुम एक भी नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं खा सकते इसमें से। तो कोको है उसको तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी, लेकिन वो कह नहीं सकता था वो खाएगा, क्योंकि उसने पहले कह चुका था वो कि उसका पेट भरा हुआ है। तो क्या है पप्पा वो देखता है पापड़ को, उसका बहुत मन ललचाता है। तो मिमी क्या करती है, एक पापड़ उठाती है, कहती है इसको निगलने के लिए चाय मिलेगी क्या। तो कोको कहता है हाँ चाय है। तो कोको क्या करता है, चाय की केतली लाकर लेकर आता है और दो कप लेकर आता है। तो मिमी कहती है तुम तो पियोगे नहीं क्योंकि तुम्हारा पेट तो बहुत भरा हुआ है। तो कोको क्या होता है, कोको का पेट तो खाली था, उसके पेट में से गुंगुंग की आवाज़ आ रही है। तो मिमी क्या है वो सुन लेती है उसकी आवाज़ को। तो वो कहती है ये आवाज़ कहाँ से आई। तो कोको कहता है कहीं नहीं, वो घर में चूहा है ना उसकी आवाज़ है। फिर क्या होता है, दरवाजे पर दस्तक होती है, कोई खटखटाता है दरवाज़ा। तो कोको पूछता है कौन है, तो इधर उसका दोस्त है तिनसु, वो आ जाता है। तो फिर क्या होता है, दोनों बैठते हैं फिर। तो वो क्या लेके आता है, एक गुलदस्ता लेके आता है फूलों का, गेंदे के फूलों का। तो वो पूछती है मिमी ये क्या है, तो वो कहता है कि ये गुलदस्ता है जो इसकी कोको की मम्मी है, उन्होंने बताया था कि वो एक फूलदान लेके आई थी, तो क्या था मेरी मम्मी ने ये गुलदस्ता भेजा है उस फूलदान में लगाने के लिए। तो वो होता है, वो कहता है फूलदान दे दो मुझे, वो देखता है अलमारी के ऊपर रखा है। तो मिमी होती है वो कहती है लो मैं देती हूँ फूलदान तुमको। तो जो ये कोको है उसको पता है कि फूलदान में क्या है, वो है रोटियां है उसकी। तो एकदम वो रोक देता है, नहीं नहीं फूलदान मत उतारो। तो वो एकदम डर जाती है। तो वो कहती है तुमने तो मुझे बहुत डरा दिया, कैसा क्या है फूलदान में। कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, वो क्या कहते हैं मेरी जो माँ है उनको क्या है इससे एलर्जी है, जो ये फूल होते हैं उनसे एलर्जी है, उनकी क्या होता है फुंसियाँ निकल आती हैं। फिर क्या होता है, जो तिनसु होते हैं और मिमी होते हैं दोनों क्या करते हैं पापड़ खाते हैं, और ये जो होता है जो कोको होता है इसको बहुत भूख लग रही होती है लेकिन ये कुछ कर नहीं सकता। तो फिर क्या होता है, दोनों अच्छे से खा रहे होते हैं, इसके पेट में चूहे कूद रहे होते हैं, इसको बहुत भूख लग रही होती है, बीच बीच में इसके पेट में से आवाज़ भी आ जाती है। तो दोनों जब पूछते हैं तो ये कह देता है कि घर में क्या है चूहा है। फिर क्या होता है, दरवाजे पर फिर दस्तक होती है, तो जो उबातून होते हैं जो दुकान के मैनेजर होते हैं वो आ जाते हैं। तो फिर क्या होता है, ये कोको उठने वाला होता है तो मिमी होती है वो जाके दरवाज़ा खोलती है और कहती है आओ चाचा। तो जो होते हैं ये चाचा आते हैं, कहते हैं कोई पार्टी वाल्टी चल रही है क्या छोटी मोटी। तो बच्चे कहते हैं हाँ आ जाओ चाचा चाय लेंगे आप। तो कहते हैं हाँ चाय ले लूँगा, वो चाय ले लेते हैं। फिर क्या होता है, वो बताते हैं कि जो उसकी मम्मी थी वो गुलाबी रंग का फूलदान लेके आई थी, जबकि उनको नीला पसंद था और नीला फूलदान उस टाइम था नहीं दुकान पर, तो उन्होंने उनको गुलाबी फूलदान दे दिया था। लेकिन वो बताते हैं अब नीला फूलदान आ गया इसलिए मैं लेकर आया हूँ और इसको मैं चेंज करने जा रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो गुलाबी फूलदान होता है वो उठा लेते हैं और जो नीला फूलदान होता है वहाँ पर रख देते हैं, और वो गुलाबी फूलदान होता है उसको लेके चांद जाने लगते हैं। तो जब बच्चे होते हैं वो कहते हैं वो बात उनकी, आपको जो ये फूलदान है बहुत पसंद आएगा आपकी मम्मी को, और वो कहते हैं शुक्रिया गुड बाय। तो जब बच्चे होते हैं वो भी कहते हैं गुड बाय चाचा, जो कोको होता है वो भी कहता है गुड बाय चाचा और गुड बाय मेरी चावल की रोटियां। तो क्या होता है, उसकी चावल की रोटियां होती है वो भी चली जाती हैं साथ में, क्योंकि उसने किसी के साथ शेयर नहीं की उसको, और वो उसने क्या किया था फूलदान में छिपा के रख दी थी। तो ये पिंग ऑन किन की बहुत अच्छा ड्रामा है, बहुत अच्छा नाटक है, तो आप लोग इसको खेल सकते हैं। इसमें यही बताया गया है कि जो भी चीज़ होती है उसको शेयर करके खाना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, जो उसने कोको है उसने एक भी चावल की रोटी शेयर नहीं करनी चाहिए, अगर वो एक दो दे देता किसी को खिला देता तो क्या होता वो भी खा सकता था और सब भी मज़े लेके खाते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया तो ना तो उसको मिली खाने को और ना ही कोई और खा पाया, और उसकी चावल की रोटियां चली गई जो उनके चाचा थे उनके साथ। तो ये बहुत अच्छा नाटक था बच्चों, आप इसको खेलिए, और आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल असा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।